हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुक प्लस व्लॉग चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकौड़े। तो इसके लिए हमने मूंग की दाल को रात भर भिगो के रख दिया। ये देखिए, ये भीगने के बाद थोड़ा सा फूल गई है। अब हम इसको एक छन्नी से सोख कर, तो ये दाल भिगा के रखी थी इसको हम छन्नी में छान लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद इसको मिक्सी जार में डालने, दाल को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम 4-5 कली लहसुन की डाल देंगे और 2 या 3 ग्रीन चिली कट करके डाल देंगे, जितना भी आप खाते हैं इस हिसाब से। और इसको हम पीस लेते हैं। दाल पीसकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसी मिक्सी जार में 2 पोटैटो, जिनको हमने छील कर वॉश करके ले लिया है, इसको बारीक बारीक करके काट देंगे और फिर से एक बार मिक्सी में इनको पीस लेंगे। दाने पोटैटो और मूंग दाल को पीस कर ऐसे बैटर तैयार कर लिया है। आइए अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करते हैं। सबसे पहले इसके लिए थोड़ी सी रेड चिली, ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें। देखिए, ये थोड़ा सा हमने धनिया काट के रखा है। धनिया तो किसी भी चीज़ में डालते हैं कुकिंग के उसमें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने ये चॉप्ड ऑनियन, इसको इसमें डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करते हुए थोड़ा बैटर को, ये बैटर हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सूजी मिला देंगे और इसको भी मिलाते हुए इस तरह से इसको हम लोग इसको हाथ से ही फेंटते हैं, क्योंकि हाथ से इसमें जल्दी से अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है फेंटने से, देखिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका। हमने इसमें कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें पकौड़े बनाएंगे, देखिए। एक एक करके ऐसे हमने इसमें छोटे छोटे डालते जाना है। फ्लेम को हमने पहले सिम पर रखना है, क्योंकि अगर हम एकदम से तेज फ्लेम कर देंगे तो ये ऊपर ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो इनको पलटते रहना है, इस तरह से चलाते हुए इनको कुक करना है। ये पकौड़े फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनको आप हरी चटनी या टमेटो सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। और हमारे घर में तो ज़्यादातर बारिश का मौसम है या कुछ ऐसा, मतलब कोई भी ओकेजन है तो ये सब बनता ही रहता है। और बनाने तक ये कितना भी ज़्यादा हम बनाते हैं तो फटाफट ये ख़त्म हो जाते हैं। सभी लोग इनको बहुत ही चाव से खाते हैं। आप लोग इनको बनाइए और फिर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। ये देखिए, इस तरह से बनकर रेडी हो गए। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल, पकौड़े हमेशा नैपकिन पेपर में ही निकालें, क्योंकि इसमें जो भी तेल एक्स्ट्रा होता है वो इसमें सूख। ये मूंग दाल और पोटैटो के पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये हमने साथ में इसके ग्रीन चटनी बनाई है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि हमने इसमें 1 चम्मच जो सूजी डाली थी उससे हमने बहुत ही कुरकुरा बनाया है। तो देखिए, ये बनकर रेडी है। अब आज हमारे यहाँ बारिश का भी मौसम है, मैं तो जाती हूँ इनको अपनी फैमिली में सर्व करने के लिए। तो आप भी इनको अपने घर में बनाइए। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं
पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।